मैं भी जय श्री राम बोलती हूँ आपको। हमारे लिए ये आस्था है, विश्वास है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल ठीक। हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी और ऐसे हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस बिजनेस भी करना और उसको कहना कि हम आपके भाई हैं। बरेस 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था। आपने तो खुद अपने मजहब को पोल्यूट करके तो एक अजीब सा एक गड़बड़ सा कर दिया ताकि लोग समझ ही ना सके है क्या ये। ज्यादा उनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, जो उनकी बहुत सारी जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जो पेट्रोल है, जो ऑयल की मद के अंदर उनको बहुत सारा रेवेन्यू उनका बचेगा। डेफिनेटली उनकी मार्केट के ऊपर वही जो पैसे जो उधर से होंगे वो इधर कर लगा सकेंगे। ऐसी दिवाली भारत ने कभी नहीं देखी 76 साल में, जो 22 जनवरी को हम लोग देखने वाले। जान देखती हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और बलूचिस्तान का एक बलोच जो उनको पसंद करने लगा। बलूचिस्तान में तो इतनी अवेयरनेस नहीं है, उसके बावजूद भी वो मोदी जी को पसंद करते हैं। इंस्टाग्राम खोलता हूँ या ट्विटर खोलता हूँ, भरी पड़ी होती है डीएम्स की इस शहर इस शहर, लेकिन जो मेरा पर्सनल वो है मुझे वृंदावन जाना है, तो मैं बहुत जल जाऊंगा वहाँ पर। इसके पीछे क्या रीजन है कि आप वहाँ पर जाना चाहते हैं, वो ही क्यों? देखें सिंस चाइल्डहुड ना मैं लॉर्ड कृष्णा का जो है वो बहुत ही भक्त रहा। देखें जी, इंडिया में पूरे भारत में तो अभी तक उन्होंने उनको किसी ने कम्पीट नहीं किया। तीसरी बार वो आ रहे हैं और देखें इंडिया को कहां से भारत को लेके चांद पर उन्होंने पहुंचा दिया। जय हिंद दोस्तों, दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में काफी ज्यादा गेस्ट आने वाले हैं और इसलिए वहां पर टेंट सिटी को तैयार किया गया, जहाँ पे काफी ज्यादा टेंट लगाए गए हैं और आधुनिक टेंट लगाए गए हैं, जिसमें कि हमारे जो भी मेहमान आएंगे उनके रहने सहने का जो है वो वहां पर पूरी तरह से बंदोबस्त किया गया है और ये काफी बड़े मैदान में फैला हुआ है टेंट सिटी। और ये देख के पाकिस्तानी ज्यादा हैरान है और वे कह रहे हैं कि देखो किस प्रकार से भारत ने तो अयोध्या में एकदम से एक नया शहरी बसा दिया। ये होती है टेक्नोलॉजी और ये होता है विकास। दोस्तों इस वक्त जो है पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जो होने वाली है उस पर है और काफी ज्यादा देशों में इसकी धूमधाम है और पूरे विश्व के हिंदू जो है इस वक्त पूरे। दोस्तों आज की हमारी पूरी वीडियो भी इसी टॉपिक पे होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों अब बिना किसी देर वीडियो को स्टार्ट द वीडियो। आपने जैसे कहा कि जय श्री राम, तो आज राम मंदिर की बात करेंगे तो मैं भी जय श्री राम बोलती हूँ आपको। और आई डोंट थिंक इसमें कोई गलत मतलब है कि लोग मेरे पीछे पड़ जाएं। आई डोंट थिंक ये ग्रीटिंग्स ही हैं एक तरह की, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं सही बता रही हूँ ना नाजिया, इसका मतलब ग्रीटिंग्स तो कह सकते हैं, आप कह सकती हैं, बट हमारे लिए ये आस्था है, विश्वास है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन अच्छा ही मतलब है इसका, मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब कोई भी बोल सकता है। तो बिल्कुल हम आज क्योंकि राम मंदिर के ऊपर बात करेंगे तो हम बिल्कुल मैं भी जय श्री राम बोलती हूँ और हम उसी से स्टार्ट करते हैं। क्या तैयारी चल रही है? और ये भी कहा जा रहा है कि कई लोग इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनको ऑब्जेक्शन भी है, कुछ तो खैर मान गए हैं। साथ साथ कांग्रेस की जो सोनिया गांधी जी हैं उन्होंने पहले कहा था कि वो जाएंगी, अब सुना है कि नहीं जाएंगी। और उससे भी पहले उन्होंने बोला कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान में भी बताया जाता है कि जी मूर्तियां तो खुद ही रख दी थी, वहां तो कुछ था ही नहीं, और इस किस्म की चीजें चल रही हैं। तो सबसे पहले क्या सेलिब्रेशन के लिए क्या तैयारी हो रही है? बहुत जबरदस्त, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी दिवाली भारत ने कभी नहीं देखी 76 साल में, जो 22 जनवरी को हम लोग देखने वाले हैं और जिसकी तैयारियों में कोई क्लॉक टावर जैसा कुछ बना रहा है, कोई वर्ल्ड क्लॉक बना रहा है, कोई 108 फुट की अगरबत्तियां बना रहा है, कोई मंदिर की घंटियां जो है वो इतनी हेवी है जो अवेसी की कान फट जाएगी, ऐसी घंटियां बना रहा है। तो अपने अपने तरीके से हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से भगवान राम जी के आने की खुशी को पालन करने में लगा हुआ है। कुछ लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, कुछ डिसेबल हैं जो व्हील चेयर पर यात्रा कर रहे हैं, कुछ साइकिल पर यात्रा कर रहे हैं, कोई स्केटिंग करके कहीं किसी और शहर से अयोध्या पहुंच रहा है। तो मैं इतना कह सकती हूँ आरजू जी कि हमने 76 साल में भारत ने जो दिवाली नहीं देखी है उस वो दिवाली हम 22 जनवरी को देखने वाले हैं। और राम मंदिर इज नॉट जस्ट अ टेम्पल, इज नॉट जस्ट अ टेम्पल, राम मंदिर इज अ सिविलाइजेशन ऑफ भारत, राम मंदिर इज अ प्राइड ऑफ भारत, राम मंदिर से हमारी आस्था विश्वास हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई,
और 500 वर्षों की तपस्या और बलिदान के बाद सनातनियों को प्रभु राम लल्ला की जगह वापस मिली है, इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है, कुछ नहीं हो सकता है। और जोड़ा अवेसी से लेकर के जो भी मुसलमान अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद की 12 शादियों पर बात कर दी जाती है, तब तो आप लोग बड़ा गुस्ताख रसूल की सजा सुनाने लगते हैं, लोगों को मर्डर की धमकियां देने लगते हैं। तो भगवान राम के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने पर अगर सनातनी 82.7% अगर वो अपमान राम की सजा दुनिया, ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है। हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। हम अगर उधर नफरत का बीज बोके जाएंगे ना, तो वो ही काटेंगे। जंग चाहिए या ट्रेड चाहिए? करनी चाहिए। जंग क्यों करनी चाहिए? जंग उनके साथ इसलिए करनी चाहिए कि वो हमारे दुश्मन है। आप ये देखें, आज भी ये सोच मौजूद है और ये बहुत से लोगों में, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कम्प्रोमाइज में है तो कहते कम्प्रोमाइज में जो वक्त लग जाए ना, वो ही बेहतर होता है। लेकिन भाई वो नहीं ना कम्प्रोमाइज करते हमारे साथ, लेकिन में कम्प्रोमाइज कश्मीर है ना, वो आज तक कम्प्रोमाइज किया उन्होंने? अच्छा, नहीं किया। अच्छा, हमने कश्मीर में क्या किया, आप मुझे ये बताएं ताकि देखने वालों को पता चले हमने। हमारी चाहत है मुसलमानों के लिए, ठीक है? हमें पता है हमारे से ज्यादा मुसलमान है। एक एटम बम बना के बैठे हुए में ये हमने चला, उससे आगे भी नहीं जाना। अभी जब बचपन में बच्चा पैदा होता था, एक कान में अजान देते थे, दूसरे कान में कहते थे कि इंडिया दुश्मन है हमारा। ये ऐसे ऐसे इतनी हद तक मतलब कि नफरत फैलाई जाती है हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। हालांकि हमने नहीं सुना, मोदी जी से नहीं, कभी नहीं सुना। जब भी वो बात करते हैं कि आए गुर्बत को ख़त्म करते हैं, आए दहशतगर्दी को ख़त्म करते हैं, जो बंदा आपको बार बार बुला, इतना बड़ा लीडर, इतनी बड़ी उनकी सोच और इतनी जितना मुल्क को आगे लेके जा रहे, फिर भी आपको बुला रहा है। हर पाकिस्तानी जो है एटम बम है फटने के लिए तैयार है। भाई आप एटम बम वो जाके फटो, क्या ये धमकियां क्यों लगा रहे हो? तो मैं तो ऐसे मुल्क में आना तो बहुत बड़ी बहादुरी है उनकी, वो बहुत बड़ा दिल है, बहादुर भी है। और ये भी देखे, एक प्यार करने वाला है और दूसरा ये बहादुर भी है बहुत ज्यादा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तानी अयोध्या में टेंट सिटी को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा है कि किस प्रकार से राम मंदिर के लिए धूमधाम भारत में मची हुई है और अयोध्या का तो पूरा कायाकल्प ही पलट गया है। दोस्तों वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से विकास हो रहा है, वहाँ पर नई नई सड़कें बन रही हैं और काफ़ी अच्छा वहाँ पर विकास हो रहा है। इसी के साथ वहाँ पर नए नए होटल्स बन रहे हैं और अतिथियों के आने के लिए जो है वो पूरी सुख सुविधा की जा रही है। दोस्तों से पहले उन्होंने जब रेलवे स्टेशन यहां तक कि एरोप्लेन को वहां पर देखा तो वे काफी ज्यादा हैरान थे और वे कह रहे थे कि अयोध्या जैसा एक मंदिर हमारे यहां भी बनने चाहिए, जिससे कि हमारे यहां भी काफी ज्यादा लोग आए और यहां पर टूरिज्म भी बढ़े और हमारे देश का भी विकास हो। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे मंदिर से ना केवल भक्तों का ही कल्याण होगा बल्कि इससे यहां पर डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा हो रही है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अमिल तक के साथ, तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।